इसी खबर से जुड़ी जानकारी लेते हैं हमारे संवाददाता नितिन दीवान से। जी नितिन, बताएं। देखिए, जब से ये ऐलान हुआ है अरविंद केजरीवाल का, तब से लगातार विपक्ष की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। अभी अभी बयान बीजेपी की तरफ से आया और कहा जा रहा है कि कोर्ट ने जो फैसला दिया है जमानत देते वक्त कि वो सीएम की कुर्सी पर नहीं जा सकते, फाइलों को साइन नहीं कर सकते, तो उनको तो वैसे ही वो सीएम नहीं है, ये कहा गया था। दूसरी बात जो कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया आई है कि उन्होंने कहा कि रिजाइन उनको बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। लेकिन अरविंद केजरीवाल की देखें तो एक किस्म से उन्होंने एक तीर से दो निशाने साधते हुए यहाँ पर नज़र आए हैं। पहली बात, उन्होंने जेल से इस्तीफा नहीं दिया, जो कि बात उनकी ये होगी कि जेल में चाहे कोई भी सीएम डाल दिया जाए, जो बार बार कहते थे कि जेल में सीएम को डाल दिया जाता है, फिर इस्तीफा हो जाता है, फिर एमएलए तोड़ करके बीजेपी अपनी सरकार बना लेती है, अब वो नहीं होगा। दूसरी बात, अब नया सीएम कौन होगा? हो सकता है बीजेपी ने जिस तरीके से मध्य प्रदेश राजस्थान में किया कि एक आम कार्यकर्ता को, जिसको पता भी नहीं था कि वो कभी मंत्री भी होंगे, वो उनको सीएम बना दिया एकदम से। तो जो बचे हुए वक्त है उसमें किसी भी आम आदमी पार्टी के जो एमएलए हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको सीएम बनाया जा सकेगा। ये एक बड़ा ऐलान यहाँ से हो सकता है कि ये एक मास्टर स्ट्रोक वहाँ से हो सकता है, जिससे ये मैसेज जाएगा कि आम आदमी पार्टी में कोई भी सीएम बन सकता है, सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही नहीं। क्योंकि ये भी चर्चाएं चल रही हैं कि मनीष सिसोदिया ने भी मना कर दिया है कि वो भी डिप्टी सीएम का पद या सीएम का पद नहीं लेंगे जब तक जनता की अदालत में वो नहीं जाते, क्योंकि चुनाव ज़्यादा दूर नहीं है, ये सितंबर महीना चला है और करीब 4 महीने बाद जनवरी फरवरी में चुनाव है। अब ये भी कह दिया है कि चुनाव पहले करा दिए जाएं, हालांकि चुनाव पहले कराना वो सरा प्रेरोगेटिव इलेक्शन कमीशन का है और इलेक्शन कमीशन को इसके लिए पूरा एक सर्वे होता है, परिसीमन देखे जाते हैं, साथ में वोटर लिस्ट देखी जाती है, तमाम चीज़ों के बाद ही इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की घोषणा करता है। अब महाराष्ट्र के साथ कराना कितना, क्या इलेक्शन कमीशन करा सकता है नहीं करा सकता है, ये देखना होगा। अगर ऐसा होता है तो माना जा सकता है हरियाणा चुनाव खत्म होते ही फिर दिल्ली चुनाव की तैयारी में सारी पार्टियां लग जाएंगी, और अब अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, तमाम बड़े नेता बाहर आ चुके हैं, तो ऐसे में अब प्रचार प्रसार भी उसी तरीके से शुरू किया जा सकता है। लेकिन ये क्योंकि अब वैसे भी कोर्ट ने मना किया था कि सीएम कुर्सी पर अरविंद केजरीवाल नहीं जा सकते हैं, तो अब कौन होगा ये एक बड़ा इस वक्त चर्चा छिड़ी हुई है दिल्ली के अंदर भी कि अगला सीएम कौन होगा, क्योंकि अभी तक जब से आम आदमी पार्टी बनी है तब से अरविंद केजरीवाल के अलावा कोई और सीएम की तरफ ना दावेदार रहा और ना ही कोई देखा गया। तो यहाँ पर अब कौन होगा, क्योंकि दावेदार कई हैं, कैबिनेट मंत्रियों में से भी कोई हो सकता है, हो सकता है एक आम एमएलए जो कार्यकर्ता है वहाँ से भी कोई हो सकता है, और लेकिन जो भी होगा वो 3-4 महीने के लिए होगा। लेकिन ये आगे वोटों में बहुत इम्पैक्ट डालेगा, जातिगत समीकरण के हिसाब से और अन्य समीकरणों के हिसाब से। तो फिलहाल ये इंतजार है, देखना होगा नया सीएम कौन होगा। और दूसरी बात, अब बीजेपी और कांग्रेस जो कि लगातार आरोप लगाती थी कि सीएम इस्तीफा नहीं दे रहे, तमाम चीज़ें नहीं हो रही, वो तो हो गया, अब आगे प्रचार प्रसार में कैसे लेकर रहेगा ये देखना होगा। लेकिन बड़ा ऐलान, और ये देखना होगा 2 दिन बाद कौन यहाँ पर मुख्यमंत्री बनता है। और क्योंकि कल एक बैठक हुई तो उसमें यह भी तय हो गया था कि अब हरियाणा चुनाव में पूरे तरीके से अरविंद केजरीवाल और पूरे पार्टी जुट जाएगी, तो हो सकता है इस नए सीएम बनने के बाद अरविंद केजरीवाल पूरे तरीके से प्रचार प्रसार में जुट जाएं और उसके बाद फिर दिल्ली के प्रचार प्रसार में जुट जाएं, और जो सीएम होगा वो दिल्ली का कार्यभार संभालता रहेगा। तो फिलहाल ये एक बड़ा ऐलान, और अब यही है देखना होगा कि नया सीएम कौन बनता है। जी।